हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सना हियर। आई होप मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर होगी, बिकॉज समहाउ आई एम सफरिंग फ्रॉम कॉल्ड नाउ डेज। सो हेयर इज़ द न्यू वीडियो विद द फैमिली लिली आई सी। ओके, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट देर इज़ ओनली टू फैमिलीज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस ऑफ 11th बायोलॉजी। सो देर इज़ सोलनाइसी एंड लिली आई सी ओनली। सोलनाइसी वी ऑलरेडी डन इट। देन आफ्टर दैट द लिलियाईसी फैमिली। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लिलियाईसी फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फैमिली। सोलनाइसी फैमिली की क्लासिफिकेशन आपकी बुक में दी हुई है, आप देख सकते हो। ओके, सो लिलियाईसी फैमिली इज़ क्वाइट डिफरेंट टू द सोलनाइसी फैमिली अबाउट टू। सो यू कैन कंपेयर द बोथ फैमिलीज टू लर्न द फ्लोरल डायग्राम एंड टू लर्न द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और द अदर अदर थिंग्स आर प्रेजेंट इन द फैमिलीज। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट नाउ। क्लासिफिकेशन, डिविजन, स्पर्मेटोफाइटा। यू मीन टू से दैट द स्पर्मेटोफाइटा इज द डिविजन ऑफ द लिलियाईसी फैमिली। सब डिविजन इज एंजियोस्पर्मा। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट सो मच। सो क्लास मोनोकोटिलेडना सीरीज कोरोनरी। एक्चुअली देयर इज समथिंग डिफरेंट प्रोनंसिएशन इज प्रेजेंट इन हरियाणा एंड इन द दिल्ली साइड ऑल्सो। सो यू यू कैन कंपेयर इट इफ यू वॉन्ट टू प्रोनंशिएट अबाउट टू द लैंग्वेज एंड द प्रोनंशिएशन और द एशियंट ऑफ द लैंग्वेज। सो यू कैन अबाउट टू दिल्ली और हरियाणा, इट्स योर विश। ओके, सो देन द फैमिली लिली आई सी। ओके, आफ्टर दैट द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर देयर पेरेनियल हर्ब्स विद बल्ब्स, कॉम्स एंड राइजोम्स। ओके, दीज आर हर्ब, यानी जो लिलियाईसी फैमिली है उसके अंदर मोस्टली हर्ब्स आते हैं जो कि कंटेन करते हैं बल्ब्स, कॉम्स एंड राइजोम्स। जो स्टेम है वो मॉडिफाइड स्टेम होती है जो बल्ब्स, कॉम्स और राइजोम्स बनाती है। बल्ब मतलब, आप लिलियाईसी फैमिली के बारे में अगर जानना चाहें तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि जो अनियन है उसको दिमाग में रखिए, कि जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं वो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके, देन द सेकेंड थिंग इज दैट ऑल्सो द लिलियाईसी फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लिली फैमिली। ओके, देन द बल्ब स्टैंड्स फॉर, आपने ये प्याज देखा होगा। सो प्याज के ऊपर जो ग्रीन से कलर का टाइप का लगा होता है, दैट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। ओके, सो बल्ब बनते हैं स्टेम, जो मॉडिफाइड स्टेम है उससे कॉम्स बनते हैं, राइजोम्स बनते हैं, दैट इज द वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑफ द लिलियाईसी फैमिली। सो राइजोम्स आप देख सकते हैं, जो थर्ड वन आपका स्ट्रक्चर है, ऐसे टाइप के राइजोम्स बनते हैं इन प्लांट्स के अंदर। फाइन, आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लीव्स। मोस्टली बेसल, बेसल मतलब जो स्टार्टिंग से जो बेस साइड है वहाँ से स्टार्ट होते हैं। ओके, दीज आर द बेसल मोस्टली। अल्टरनेट लीव्स। ओके, सो अल्टरनेट मीन्स टू से दैट द लीव्स आर नॉट कनेक्टेड टू अ नोड, टू अ पर्टिकुलर नोड। ओके, लीनियर लीव्स, द स्ट्रक्चर इज लीनियर, एक्सटिपुलेट विद पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल वेनेशन? यू कैन सी दीज टाइप ऑफ लीव्स प्रेजेंट, द पैरेलल वेनेशन इज प्रेजेंट हियर। आफ्टर दैट फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनफ्लोरसेंस, सॉलिटरी, साइमोज। यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट द इनफ्लोरसेंस, सॉलिटरी, साइमोज, ऑफन एम्बलेट क्लस्टर्स। क्लस्टर्स आर प्रेजेंट इन दिस फ्लावर्स। लाइक क्लस्टर मीन्स अ ग्रुप ऑफ अ बंच ऑफ समथिंग। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज द क्लस्टर्स, एम्बलेट क्लस्टर्स। यू कैन सी द स्ट्रक्चर एम्बलेट क्लस्टर क्लस्टर ऑन द स्क्रीन नाउ। फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लावर ब्रैसिटेट, बायसेक्सुअल, एक्टिनोमोफिक, ट्राइमेरिस एंड हाइपोगाइनस। ओके, सो दीज ऑल आर कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द फ्लावर। यू ऑलरेडी नो अबाउट द बायसेक्सुअल। ब्रेस्टेट का मतलब ब्रेस्टेट ना टाइप जो फ्लावर है वो प्रेजेंट होते हैं। ब्रेस्टेट मीन्स
मैनी फ्लावर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर फ्रॉम अ नोड. ओके एक्टिनोमॉर्फिक व्हेन वी कट द फ्लावर देन इट विल बी द रेडियल सिमेट्री. ट्राइमेरिस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ट्राइमेरिस टाइप इन हाइपोगाइनस. पेरियंथ दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वाइट. What do you mean by perianth? So perianth contains tepals you can see in the screen. These all are called as tepals. Look at the screen. 3+3 under bracket, often united into a tube. Tube ke andar tube type structure ke andar united hote hain. वॉल्वेट एस्टुएशन होती है. ओके आपने कई फ्लावर्स देखे होंगे जो क्वाइट खिले हुए नहीं होते, ओपन अप नहीं होते, काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज यूनाइटेड इनटू अ ट्यूब. ओके सो इससे नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे. दैट इज़ द नेक्स्ट फ्लोरल कैरेक्टर्स of the Liliaceae family. So thank you so much for watching this video again. Thank you.